नमस्कार दोस्तों, फ्रेंडशिप विथ मैथ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन नंबर 2 से करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब हम लोग स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेंगे। साथ में एक बात का और ध्यान देना है कि देखेंगे आयोटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग एक्स प्लस आई वाई लेट करेंगे, और आयोटा की वैल्यू यदि नेगेटिव रहेगा तो हम लोग एक्स माइनस आई वाई लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट 200 - 7 + 24i = एक्स प्लस आई वाई हम लोग लेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आयोटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -7 + 24i² = x + iy² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 24i = a² + 2ab + b² ए प्लस बी कॉल स्क्वायर ब्रेक कर दिए इसको, ये हो जाएगा -7 + 24i = x² + 2xiy + i² y² हो जाएगा। अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को -7 + 24i = x² + 2xiy, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, पीछे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विकेट। अब इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - y² हो जाएगा -7 हो जाएगा, एंड मेनली पार्ट यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है हट जाए, से हट जाएगा तो 2xy = कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक आइडेंटिटी याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट x² + y² = होता है x² - y² + 4x² रूट अंडर में, ये हो जाएगा x² + y² = x² - y²² + 4x² y² को लिख सकते हैं 2xy² ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 2xy का वैल्यू है, यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + y² = x² - y² का वैल्यू है कितना, -7 + 24 हो जाएगा। इससे अगर हम सॉल्व करते हो जाएगा x² + y² = 49 + 576 हो जाएगा √625, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू आ गया x² + y² = कितना आ गया, 25। इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 है हम लोगों को x² - y² = -7, और 3 है x² + y² = 25 है, इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे
इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² इक्वल टू हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू कितना हो गया, 18/2 कैंसिल होकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो x² का वैल्यू यदि 9 हो गया, देयर फोर एक्स इक्वल टू लिखेंगे लोग प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हम लोगों को हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 3। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर यदि हटाएंगे तो प्लस माइनस ये नंबर क्या होगा, रूट में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स का वैल्यू यदि रखेंगे तो हम लोग दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव 3 रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव 3 रखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग यहाँ पर 9 रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो देखिए x² माइनस y² इक्वल टू कितना है, -7 पहला इक्वेशन दिया गया। तो x² का जगह हम लिख देंगे 9 लिख देंगे, माइनस y² इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो ये हो गया 9, -7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +7 इक्वल टू y², ये y² इक्वल टू हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 + 7 16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x और y का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन ऑफ एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स वाई का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 24/12 हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, तो 12 वैल्यू आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स और वाई का साइन क्या हो जाएगा, सेम साइन होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। एंड यदि नेगेटिव हो जाएगा तो इसका अल्टरनेट साइन होगा, यानी कि सेम साइन का मतलब हो गया कि यदि एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग सिंस सिंस लिखेंगे सिंस एक्स वाई या सॉरी सिंस साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव, एक्स वाई का साइन क्या पॉजिटिव है, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, एक्स एंड वाई का क्या होगा, सेम साइन होगा। इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू हम लोग कितना है, प्लस माइनस 3 आया है, तो एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। एंड एक्स का वैल्यू यदि नेगेटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि वही नेगेटिव साइन यदि रहता तो यदि प्लस लेंगे एक्स का तो वाई का नेगेटिव हो जाएगा, यदि आप नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर -7 प्लस 24i इक्वल टू, हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, एक्स प्लस आई वाई माने थे, तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो आई वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, साथ में आई लगाएंगे तो 3 + 4i हो जाएगा, और यह हो जाएगा -3, एक्स का वैल्यू -3, ये हो जाएगा -4i। तो ये दोस्तों हम लोग का इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, तो इसको हम ऊपर लेट कर लेंगे कि लेट रूट अंडर -2 प्लस 2√3i इक्वल टू, देखिए आईटा के बोले यहाँ पॉजिटिव में दिया गया है, यहाँ पे सेम एक्स प्लस आई वाई लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस टू प्लस टू रूट अंडर थ्री आई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे, लिखेंगे कि नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है माइनस टू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया। रियल पार्ट का मतलब हो गया जिसमें आई नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जिसमें आई रहेगा, तो यहाँ पे आई से कैंसिल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टू रूट अंडर थ्री, यहाँ लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तो टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, तो टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टू रूट अंडर थ्री हो जाएगा, ये इक्वेशन हम लोग को टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वी नो दैट, एक आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो टू एक्स वाई का जगह कितना है टू रूट थ्री, ये हो जाएगा टू रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना कि टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो टू एक्स वाई का जगह कितना है टू रूट अंडर थ्री है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस टू का स्क्वायर हो गया फोर एंड रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, तो हो जाएगा फोर प्लस ट्वेल्व तो हो जाएगा रूट सिक्सटीन, इसका वैल्यू हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को थ्री हो जाएगा। ठीक है, और हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री विकेट। तो देखिए जो हम लोगों को पहला इक्वेशन है हम लोगों को है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है माइनस टू है। ठीक है, और देखिए थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो ऐड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, फोर माइनस टू हो जाएगा टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को टू अपॉन टू हो जाएगा तो वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया वन आ गया, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू इसका प्लस माइनस वन आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे एक्स का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि वह एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें से पुट कर देते हैं, लेकिन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन
इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है माइनस टू, तो हो गया एक्स स्क्वायर जगह अपन रखेंगे वन, ये वन का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस टू, ठीक है। ये हो गया वन माइनस टू को इधर लाएंगे तो होगा प्लस टू इक्वल टू वाई स्क्वायर, देर फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यदि थ्री है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर थ्री, ये तो होगा। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया रूट अंडर प्लस माइनस थ्री आ गया, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर थ्री आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स और एक्स वाई का जो साइन है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टू इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा रूट थ्री हो जाएगा। तो रूट थ्री क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सेम रूल लगाएंगे कि यदि एक्स वाई का साइन यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स एंड वाई का साइन जो होगा सेम होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सिंस सिंस साइन साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, ठीक है। सेम साइन का मीनिंग हम लोग समझ में करते हैं कि एक्स यदि पॉजिटिव होगा तो एक्स का वैल्यू आया था प्लस माइनस वन, तो वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट थ्री। और एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव लेते हैं, एक्स का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयर फोर, देयर फोर स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट अंडर माइनस टू प्लस टू रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू क्या लेट किए थे, एक्स प्लस आई वाई, तो वैल्यू रख देते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना है वन, प्लस वाई कितना है रूट अंडर थ्री, आईटा लगा देंगे यहाँ पे, और ये होगा माइनस वन माइनस रूट अंडर थ्री आई। तो इसका दोस्तों आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया वन प्लस फोर रूट अंडर माइनस थ्री। तो इसको थोड़ा हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि रूट के अंदर माइनस थ्री दे दिया गया है। तो देखिए इसको इसको इस तरह से पहले लिख लेते हैं, ये वन प्लस फोर इसको लिखेंगे रूट थ्री इंटू माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि रूट अंडर माइनस थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि वन प्लस फोर इंटू इसको रूट थ्री इंटू रूट अंडर माइनस वन लिख देंगे, एक ही बात है। अब इससे आगे देखिए इसको, ये हो जाएगा वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री, और रूट अंडर माइनस वन को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रूट निकालना है। तो ये जस्ट प्रीवियस ही क्वेश्चन की तरह हो गया है यहाँ पे, इसको लेट कर लेंगे, लेट रूट अंडर वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था यहाँ पे कि रूट अंडर माइनस थ्री दे दिया था, तो रूट अंडर माइनस थ्री दे दिया था, इसको हम पहले क्या करेंगे सॉल्व करके इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिए। हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। ये हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री आई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वन प्लस फोर रूट अंडर थ्री
3i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xiy, आई स्क्वायर का वैल्यू था माइनस वन, पीछे प्लस है तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वन है, क्योंकि रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई नहीं रहता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इक्वेशन वन हो गया। एंड ये इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई रहता है, तो आई का कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आई से आई तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो टू एक्स आई वाई इक्वल टू हो जाएगा, टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा फोर रूट अंडर थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन टू हो जाएगा। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी याद रखेंगे, लिखेंगे वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है वन है, प्लस ये हो जाएगा फोर रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस फोर रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो सिक्सटीन इंटू थ्री हो जाएगा 48, इसका वैल्यू हो गया रूट 49 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 7, ये इक्वेशन हो गया 3। और यहाँ पर लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थर्ड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री, तो वन और थ्री को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 2। हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन वन में हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हो गया फोर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 मिनट, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जगह 4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो एक्स एंड वाई का साइन क्या होगा, सेम साइन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सिंस सिंस साइन ऑफ एक्स वाई, सिंस साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, इसका मतलब हो गया दैट इज एक्स का वैल्यू हम लोग यदि 1 रखते हैं तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगा,
दोनों पॉजिटिव एंड एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव रखते हैं तो वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट अंडर माइनस, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस 4 रूट अंडर -3 इक्वल टू, हम लेट के थे एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस √3i और -1 -√3i, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।